क्या हुआ? बिठल असा बर्बाद थी गए। मिशी ने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आखिर किया क्या है उसने? मिशी घर छोड़ के चली गई है पाजी। दिल नहीं मानता, अल्लाह की कसम मेरा बिल्कुल दिल नहीं मानता। नवाब साहब का पोता इस हद तक नहीं जा सकता। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ है वो। एक दफा पड़ोस में भी देख लेना, कहीं बेबे की बगल में छुप के ना बैठी हो। अगर पड़ोस में हुई ना तो एक आध लाश गिरा कर ही वापस आऊंगा। ज्यादा फनकारियां मत दिखा और बता किधर छुपा रखा है उसे। मिशिए की कोई अनारकली जो किसी दीवार में चुनवा दिया मैंने। इसका मतलब है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अरे क्यों ले लिया हाजी भाई, छोड़। मैंने कब छोड़ा है तुम्हें? खुद ही तो कहा था फोन पर कि छोड़ चुका हूँ तुम्हें। अरे यार, वो तो गुस्से में आके बोल दिया था, इसका मतलब है सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। हाँ, पूछे इस देवदास से कहाँ छुपाया हुआ मेरी बहन को। मोहब्बत जरूर की मैंने मिशी से, लेकिन इस किस्म की घटिया हरकतें नहीं करूंगा मैं। मोहब्बत? ओ बेशर्मो, साडे दादा ने दो ब्याह किए थे, दो सारे जमाने के सामने, और तुम लोगों ने क्या किया? एक लूला लंगड़ा, दूजी ओ टूटी पची बेस्वादी मोहब्बत। दो कुड़ियों की जिंदगियां तबाह करती थोड़े। भाई तू जा अपनी शेरवानी स्त्री कर जा। पाजी तू मीनू नू ले गए, फुट जा, निकल ले। बड़े पाव वो निकल ले यार, चलो। कोई नहीं, वो मैं आई थी, मैंने कहा सारा पता करूं कि वो जो जान जी चली हुई है, खैर से वो कब तक पहुंचेगी? को पता चला टाइम शाम का? वो पहुंच जाएगी, पता लग जाएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब भी पहुंचेगी खैर से पहुंच ही जाएगी ना, कोई मसला थोड़ी है। तो मैंने कहा हम तो अपनी तसल्ली करें ना, जरा रोटी टुकर का इंतजाम वगैरह कर लेते है ना। सही है, चल आ जा, आ जा। मीनू चलो घर। मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैं भी कोई मरा नहीं जाना हूँ तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए। लेकिन मैं आपके लिए ना मर गई हूँ आज से। हंस कम जहां पाक। रुको, मैं तुम्हें किफायत चाचा के पास ले जाऊंगा। अरे तू किथे? इधर आ, इधर मार, सुकून कर तू। आप जो भी कह दें बड़े अब्बा, लेकिन आपकी नवासी इस घर में तो आ सकती है, मेरे दिल में नहीं आ सकती। एक पुट्ठे हाथ दी देंगा। ए बाप दी शौकी नहीं किधरे और विखा जाके। बड़े अब्बा ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, यू आल्सो अंडरस्टैंड। जड़ा इंजीनियर खराब होया है पुत्र, होए तीन चार घंटे में ठीक हो जाएगा। बड़े अब्बा मेरी और मिशी की लाइफ जो खराब हो रही है, कुछ खुदा का खौफ करे, क्या फायदा ऐसे निकाह का? ठीक है, अब एक डील कर मेरे साथ। कोई दूध की नहरें खुदवाने का ना कह दीजिएगा मुझे। नशा चढ़े मिशी को लेके इत्थे आ जा। उससे क्या होगा बड़े अब्बा? इसे पंडाल के अंदर तेरा निकाह कराऊंगा, जिन्ना कराया दे मैनू बहादुर नहीं गिद्दड़ आखी। गिद्दड़? वो होड़ नहीं, ऐसे ले क्यों कह रहे हैं? लेकिन बड़े अब्बा अम्मा बेबे फाजी। यार रहन दे, अम्मी बाबा पाज उन्हें मैं नहीं पढ़ लांगा, तू जा। 6-12 बजे तो पहले मिशी नाना आई इत्थे, चुप करके कोड़ी ते चढ़ जाएं मेरी नवासी दे साथ। क्या? आहो, ते फिर कदी ना लिया ना मिशी दा, फिर मैं तेरे अखा चो डेले कट के तेरे हाथों ते रख दियांगा। समझ गया? जी जी समझ गया। की समझ गया? यही के आंखों के डेले हाथों में रख देंगे। आहो रख देंगे। सुन जी, एसी चला दे यार। चल गया? जी जी। अच्छा वो किताब दे दई उठे पई सामने। बड़े अब्बा
36 में से आधा घंटा तो आपने इधर ही लगवा दिया मेरा। अच्छा फिर जा। जी। बुआ बंद कर रहे। जी। मिसाली अज़दवाजी जिंदगी के सुनहरी उसूल दसो इना उसूलों का की फायदा। 40 साल पहले मिल जाते ये उसूल। ओए होए दोनों छड़ के चली गई। बेबे बेबे सुना आपने लाहौर वाली ट्रेन का इंजन खराब हो गया डेरा नवाब के पास। हैं? हाँ देखा इसका मतलब है नवाब साहब भी नहीं चाहते ये निकाह हो। दर फिटे मुंह तेरा। माय डियर बेबे ये कुदरत के इशारे हैं। आप ये सोचे कि इंजन डेरा नवाब के पास ही खराब क्यों हुआ। आज पूछ ही ले अपनी बेटी से क्या खर्च चाहती क्या है। ये क्या चल रहा है बेटा। अब्बा चल नहीं रहा है आपके बेटे की जिंदगी को घसीटा जा रहा है। बस बहुत हो गया मुझे नहीं रहना है आप इनके साथ। ना 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 पुत्र ना गुस्सा थूक दे जा जा अपने घर जा आराम से। कौन सा घर बेबे मेरा कोई घर नहीं है। वहां जाती हूँ तो गुलाबा कहती है कि जाओ अपने घर। यहाँ आती हूँ तो आप कहती है जाओ अपने ससुराल। मेरी जिंदगी तो कटी हुई पतंग की तरह डोल रही है। कभी यहाँ नवाब इला की छत पर तो कभी वहां नवाब हाउस के सहन में। बहुत अच्छा किया मिशी ने बहुत अच्छा किया जो ये घर छोड़कर चली गई। तो हर कोई एक दूसरे की खुशियों पर नाक बनकर बैठा हुआ है। अब्बा बहुत हो गया अब्बा बंद करें ये पुतली तमाशा। नहीं नाच सकती हूं मैं आप लोगों के इशारों पर। बहुत हो गया मुझे नहीं रहना आप इनके साथ। और मैं फैसला कर चुकी हूं छोड़ो बेटा हमें कोई हक मेहर नहीं चाहिए। बस तुम वैसा करो जैसा मीनू चाहती है। मैं अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकता। बहाने बहाने पूरे खानदान में फोन कर चुकी हूं लेकिन उस कमबख्त मिशी की कोई खबर नहीं। रूमी ये क्या हरकत है पूरे घर को कचरा कुंडी बना रखा है। पापा दिल अजीब हो रहा था कंडीशन ऐसी है ना मेरी। हाँ तो पूरे घर की कंडीशन खराब क्यों कर रही हो। तो मेरी वजह से है क्या मिशी मेरी वजह से गई है क्या। जानू देखो मैंने क्या छुपाया है शिकारपुरी अचार ऑनलाइन मंगवाया है। भाई हमारी अम्मी कहती है कि अचार शिकारपुर का और नुस्वार। तुम दोनों में जरा सी भी इंसानियत है। तो आपा मेरी तबीयत खराब है समझती क्यों नहीं आप। तुम दुनिया की पहली अनोखी मां नहीं बनने जा रही। आपा आपको क्या पता कि इस कंडीशन में लड़की को कैसा लगता है। हुँ? आपको बस आदत हो गई डिक्टेशन देने की। बस कर छोटी सरकार आपने देखा है इसने कैसे हमें औलाद का ताना दिया है। बस इसी की डोज की कमी रह गई थी इन्होंने तो अभी से अपनी आंखें माथे पे सजा ली। लो भाई आ गया किराए का जोकर अपनी पेट्रोल की बाल्टी उठाकर। हाँ कहीं मैं ये बाल्टी तुम्हारे ऊपर ही ना उंडेल लूं इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपने खेमे समेटो और किसी और मैदान में जाके बैठ जाओ। फाजी कुछ पता चला मिशी के बारे में। फाजी भाई शिकारपुरी इजार चलेगा। खाएंगे खाना भी पक... खाने में पता नहीं अच्छा तो बनवाती हूँ कुछ आपके लिए। कैसी हो नीली
यार मैं पूछ रही थी कि एग्जाम के फॉर्म्स कब से आ रहे हैं, मेरे लिए भी एक ले आना। और सुनो वो एक काम और था तुमसे, यार तुम प्लीज कहीं से वकील का नंबर अरेंज कर सकती हो, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। प्लीज थैंक यू। बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना है आप इनके साथ। कौन सा घर बेबे? मेरा कोई घर नहीं है। वहां जाती हूं तो गुलाबा कहती है कि जाओ अपने घर, यहां आती हूं तो आप कहती है जाओ अपने ससुराल। मेरी जिंदगी तो कटी हुई पतंग की तरह डोल रही है, कभी यहां नवाब विला की छत पर तो कभी वहां नवाब हाउस के सहन में। हाँ तो हर कोई एक दूसरे की खुशियों पर नाक बनकर बैठा हुआ है। बहुत हो गया अब्बा, बंद करें ये पुतली तमाशा। नहीं नाच सकती हूँ मैं आप लोगों के इशारों पर। बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना आप इनके साथ, और मैं फैसला कर चुकी हूँ। ये बात कर फाजी से, ये गया था वहां तेरी कोड़ के लिए दूजी माँ के पास। मिठल के अंडे से काल थी, परेशान है तेरी फूफी मिशी की वजह से। बता दे उन्हें, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से गई है ना वो, जब अकल ठिकाने आएंगे खुद ही वापस आ जाएगी। घर से दूर रहना कोई मजाक नहीं है। अच्छा हादी से पूछा? जिस जिस से पूछना था पूछ लिया। अब इस घर में कोई नाम नहीं लेगा मिशी का। मीनू नहीं आई। फीस मैं जमा करवा दूंगी, तुम मुझे बस अपने उस बैरिस्टर कजन का नंबर दो। हाँ यार मैं सीरियस हूं, मुझे खुला चाहिए फांसी से। मैं बाद में करती हूँ तुमसे। क्या करोगी खुला लेकर? अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगी। वो स्टडीज जिससे भागने के लिए तुमने शादी का लड्डू खाया था, वो शादी का लड्डू जबरदस्ती आप लोगों ने मेरे मुंह में ठोसा था। मैंने इस तरह की जिंदगी की कभी ख्वाहिश नहीं की थी। जिंदगी फूलों की सेज नहीं होती वानिया। जबरदस्ती के कांटे भी अपने दामन में ज्यादा देर तक रखे नहीं जाते। मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई। क्या समझ में आ गई? यही कि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। एक गलत फैसले का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी जबरदस्ती का ढोल अपने गले में डालकर बजाते रहो।
इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से सीखी हैं तुम? जब जिंदगी माँ बाप की लाडली औलाद के मुंह पर थप्पड़ मारती है ना, तो सारी बातें समझ में आ जाती है। तुम कुछ भी कहो, हम तुम्हें ये जज्बाती फैसला हरगिज़ नहीं लेने देंगे। आप लोग प्लीज मेरी बात को समझें। माँ बाप का तजुर्बा अपनी जगह है, लेकिन बार दफा माँ बाप से भी अपनी औलाद के लिए गलत फैसला हो जाता है। आखिर क्या गलत किया है फाजी ने तुम्हारे साथ? जो शख्स अपनी घर की औरतों के सामने सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता, वो सारी जिंदगी किसी रिश्ते के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। घर औरतों को ही बसाना पड़ता है बेटा। गलत कह रही हैं आप, गलत कह रही हैं। शादी औरतों से ज्यादा मर्दों का इम्तिहान है, उन्हें बैलेंस करना होता है सारे रिश्तों को। लोग अपनी बेटियों से कहते हैं घर बसाओ, अपने बेटों को इंसानों की तरह रहना क्यों नहीं सिखाते? सही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया बड़े अब्बा ने आपको। ये ट्रक भी मैंने निकाह के पंडाल में ना पहुंचाया ना तो हादी नाम नहीं मेरा। ओ भाई दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो हादी भाई। यार तू मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़क, ये बता कि उसकी सहेली का घर किधर है। अगर वहाँ भी ना हुई तो कुछ ना कुछ तो बता ही देगी ना। वैसे भी ये खवातीन के पेट में ज्यादा देर बात तो रहती नहीं है, कुछ ना कुछ तो उगल ही देगी। अच्छा अगली गली से लेफ्ट। ओके बस 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 यही है यही है यही है। ये है न्यास साहब का घर। अबे ये तो वही न्यास साहब है ना जो करप्शन के केस में पकड़े गए थे। जी और इन्हीं की बेटी मिशी आपी की दोस्त है। मर गए भाई जिसका बाप इतना फ्रॉडी हो, उसने क्या हमें खाक बताना है? क्विक एक्शन लो हादी भाई, काउंटडाउन स्टार्ट है। बिस्मिल्लाह। देख लिया तुमने फाजी क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम तीनों के लिए, और इतना बड़ा ताना देकर गई है मुझे छोटी। आप उसकी बात को दिल पर मत लें। तुम भी अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही करना, कल को सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दोगे तुम भी। अब फैसले के लिए बचा ही क्या है? क्या तुम मीनू को तलाक दे रहे हो? नहीं, पर वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। हाँ तो हम कौन सा रखना चाहते हैं उसको, और उसको कौन सा सुर्ख आपके पर लगे हैं जो तुम इतना मुंह बनाकर उसकी हिमायत कर रहे हो? आपा यार जो घर बसा नहीं है ना वो जड़ने जा रहा है। लेकिन आप नहीं समझेंगी ये बात, क्योंकि आपने तो खुद सारी जिंदगी गुजार दी ना अपने मैके। फाज मेरी बात तो सुनो। अरे सुना तुमने? सरकार मैंने तो सुन लिया, लेकिन आपने कुछ सुना है कि नहीं? यही तीनों बहन भाई थे ना आपके, जिनको आपने चिड़े की बोट की तरह अपने दिल से लगा के रखा था, आज ये उड़ उड़ के आपके सर पे चौंचे मार रहे हैं। मिशी आपकी वजह से घर छोड़ के चली गई, रामीन को लगता है कि आपकी तो औलाद होनी ही नहीं, लिहाजा आपने तो कभी उसकी कंडीशन को समझना ही नहीं। फाज आज आपको ताना दे के चला गया कि आपने तो पूरी जिंदगी अपने मैके का दम भरा। कुले राना आपको क्या पता कि अपना घर क्या होता है? मिल गया इतनी सालों की रियाजतों का सिला तुम्हें? बस कर दो मिस्कीन। तुम भी बस कर दो गुले राना, और समझो इस बात को, शादीशुदा बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, वरना ना वो घर की रहती हैं ना घाट की, समझी कुछ? सरकार सरकार क्या थी गया है? सरकार अब तो आपका खाली मैदा भी दहाई दे रहा है, सुबह से भूखी बैठी हो, कुछ खा लो। आया कोई? ना कोई बहन ना भाई। सरकार मिर्ची मीनू कहाँ है? आप क्यों पूछ रहे? तुम भी खफा हो क्या मुझसे? नहीं लेकिन मीनू बाजी हैं। जाओ जाकर बुला कर लाओ उसे, मुझे बात करनी है। वो तो वकील के पास गई हैं। क्यों? अम्मी को बता रही थी कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना। क्या सच कह रही हो? अल्लाह का पक्का वादा।
ए, कहां गई थी तू? वकील के पास। क्या करने? बताया तो था आपको। खुदा का नाम ले मीनू, एक बार फिर सोच ले पुत्र। बेबी अब सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। इतना बुरा नहीं है फाजी, क्या करे बेचारा, घर की औरतों ने उसकी मात मारी हुई है। अच्छा है ना, जिंदगी सुकून में आ जाएगी उनकी भी और मेरी भी। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। मुबारक हो नेक परवर। क्या हुआ, मिशी को पता लग गया? अरे उसका भी पता चल जाएगा, यही कहीं किसी सहेली के साथ छुपी हुई बैठी होगी, कहाँ जाएगी वो? घर की बच्ची है पाजी, अख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन सच्ची पूछे कलेजे को मेरा भी हाथ पड़ गया, खून तो अपना ही है ना भाजी। ये बात तुम्हें और बख्तों को समझने की जरूरत है। खैर ट्रेन का इंजन ठीक हो गया है, कल 11 बजे पहुंच जाएंगे लाहौर वाले। ताया बस सलाम अलैकुम। वो निकाह तो परसों को पक्का है ना? पक्का नहीं, पक्का पकोड़ गज वज के करेंगे, अल्लाह खुश रखे। कल के खाने का कह दूं कफायत को? हाँ हाँ, वैसे परोने सारे ठहरेंगे गेस्ट हाउस में, परसों फौजें इकट्ठी होंगी पिंडाल में। कुड़िया तू गई नहीं अपने घर? बड़े अब्बा यही मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये अभी तक तत्ते तवे पे क्यों बैठी है? ताया अब्बा मियाँ बीवी की आपस की रंजिश है, जल्द खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। सब खैर होगी, सब खैर होगी। खैर भाई आखिरी हल यही रह गया, कुएं में बांस डाल दो मिशियापी की तलाश में। अबे कुएं का हदो अरबा भी तो मालूम हो ना, उसकी सहेली ने भी भांप तक नहीं उगली। अरे वो तो साफ मुकरगी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, ऊपर से इतनी दूर भिजवा दिया हमें भैंस कॉलोनी। हाँ भैंस कॉलोनी, वो भैंस कॉलोनी वाली आंटी को भी नहीं पता था मिशियापी का। मुझे तो लगता है मिशियापी लाहौर चली गई है। अबे यार मार्केट तक अकेले तो वो जा नहीं सकती, लाहौर क्या खाक जाएगी वो। ये भी है, कहाँ ढूंढे यार मिशियापी को। अस्सलाम वालेकुम फाजी भैया। वालेकुम अस्सलाम। फाजी उसकी सारी फ्रेंड्स के घर पूछ आया हूँ मैं, कहीं पे भी नहीं है वो। तुमसे पूछा है किसी ने? ये हाथ देख यार मेरे। अब ये क्या नई ड्रामेबाजी है यार? खुदा की कसम पहल मिशी ने की थी, तुझे मेरा यकीन नहीं है ना? तू मीनू या मिर्ची किसी से भी पूछ ले यार, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया था उसकी तरफ। वाह पहल उसने की और लॉटरी तेरी लग गई। हाँ बंदा दोस्ती यारी का ही लिहाज कर लेता है। गलती हो गई यार, माफ कर दे मुझे, सारे रिश्ते नाते तोड़ दे, लेकिन याद रख तू दोस्त था मेरा यार। तू चाहता है ना कि मैं उससे नई शादी करूं, तो मैं नहीं करूंगा, तू खुश रहे बस। सख्त टेंशन में हूं यार, नहायत बेवकूफ और डरपोक किस्म की लड़की है मिशी, मुझे तो डर है कहीं कुछ बुरा ही ना हो जाए खुदा ना खास्ता। अल्लाह ना करे, मैं खुद बड़ी टेंशन में। टेंशन क्यों, क्या हुआ? वो मीनू गई थी आज वकील के पास, नहीं रहना चाहती वो मेरे साथ। मैं बात करता हूं उससे यार। बहुत अपसेट है फाजी। होना भी चाहिए, उनकी बहन जो घर छोड़कर चली गई है। बहन नहीं बीवी भी। बीवी उन्होंने समझा ही कब है मुझे? हनीमून पे क्या तीनों बहनों को लेके जा रहा था? कुछ तो अकल से काम लो मीनू। अकल से काम लेकर ही मैंने ये फैसला किया है। ठीक नहीं कर रही हो तुम मीनू। आप लोगों ने भी हमेशा मेरे साथ गलत ही किया है, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप अपने आप को देखिए ना, क्या किया आपने मिशी के साथ? मैदान छोड़कर वो भागी है, मैं नहीं। लड़की मैदान छोड़कर उसी वक्त भागती है जब उसे पता चल जाए कि उसकी जिंदगी में आने वाला मर्द उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। लड़की का जाना उसकी बेबसी और उसकी जिंदगी से वाबस्ता मर्द की बुजदिली की निशानी है, लेकिन आप मर्द ना ये बात समझेंगे नहीं। यार फाजी को इतना टूटा हुआ मैंने कभी नहीं देखा, उस पर इतना बोझ मत डालो मीनू। टूटने के बाद जब इंसान जुड़ता है ना, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती।
कि उनके लिए अच्छा है। इतनी जालिम नहीं हो सकती मेरी बहन। मुझे भी यही लगता था कि मेरा भाई कम से कम फाजी की तरह नहीं करेगा किसी लड़की के साथ। आपको स्टैंड लेना चाहिए था मिशी के। मर्द भी बहुत सी अनदेखी जंजीरों में झगड़ा होता है, लेकिन ये बात तुम खवातीन नहीं समझ सकती। हाँ जी भैया, पेशी आई आपकी। आप किसके टहरे में? अब्बा की अदालत में। चलो मेरी बात पे गौर करना। और आप भी। यार फाजी को इतना टूटा हुआ मैंने कभी नहीं देखा। उस पर इतना बोझ मत डालो मीनू। ये इतने सारे आइटम? ओ पुत्र, खाने के आइटम है, कोई फिल्म के आइटम सॉन्ग तो नहीं है जो खर्चे का सुन के हॉल उठ रहा है तुझे? अस्तगफिरुल्लाह बेबे, आप खुद तो सोचें। मैं पहले ही बड़ी परेशान हूँ, मजीद नहीं सोच सकती मैं। अरे कल दोपहर को मेहमान पहुंचेंगे, उस वक्त का खाना, उसके बाद रात का खाना, फिर अगले दिन का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, उसके बाद जाके कहीं निकाह होगा, इतना खर्चा। इस सब का ना एक हल है मेरे पास। क्या खर्चा कम करने का? जल्दी बताओ। बिस्मिल्लाह करके ना शादी का फंक्शन ही कैंसिल करा दें। हेलो कर लो क्यों फंडा? किस खुशी में? चाचा हमें कुछ तो इंसानियत दिखानी चाहिए ना। पड़ोस में वो मिशी की वजह से उनकी नींदें उड़ी हुई और हम यहाँ पे बैंड बाजे बजा रहे हैं। ले दस, हम कौन सा तूतिया बाजे बजा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ना पंगड़े पा रहे। एक स्टेटस नहीं मैंने अपलोड किया सुबह से, और मैं नफल पढ़ पढ़ के फावी हो गई हूँ निशी के लिए। माशाल्लाह शुक्र है आपने भी कोई नेक काम कर लिया। वे बगैर की तरह मुंह बंद कर, नेक परवर नाम है मेरा। सब छोड़ो, ये बताओ कि इस खाने पे कितना खर्चा आएगा? चाचा मैंने कौन सी देगी लगाई हुई जो मुझे पता होगा। अच्छा तुम ये कैलकुलेटर पकड़ो, मैं तुम्हें बताता जाता हूँ, तुम जमा करो और फिर मुझे बताओ। बेबे बेबे, वो दुल्हन पूछ रही थी कि किस पार्लर की बुकिंग करवानी है। लो कर लो क्यों फांडा एक और खर्चा। देखिए बेबे, तैयार तो होना है लड़की ने निकाह के लिए। पहले हम मजीद खर्चे के लिए तो तैयार हो जाएं। मुफ्ते की शादियों का फिर वही नतीजा होता है जो मीनू के साथ हो रहा है। लबों को ही सस्ता पार्लर। पहले तो हम घरों में तैयार हुआ करते थे ना। पहले बूथिया भी तो ओरिजिनल हुआ करती थी ना, अब फारवी मुर्गियाँ खा खा के मुँह सूजे पे ने सब दे। चल बेबे, मैं तो कहता हूँ कि एक बिरयानी रख लें और एक मीठा रख लें, और इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है? बस बंद कर दे, मैंने बरादरी को मुंह देना है, यही खाना होगा बस। हेलो, छत पर आओ, बात करनी है तुमसे। अब जो बात होगी कोर्ट में होगी। फजूल बातें मत करो मीनू, और ऊपर आओ। मैं अब पहले वाली मीनू नहीं रही हूँ। तुम जो भी हो फेस टू फेस आकर बात करो, वरना मैं आ रहा हूँ। यार ये नंबर ऐसे ही बंद रहा तो दिल बंद हो जाएगा मेरा। निशी फोन तो ऑन करो यार। गुल को साथ छोड़ दे मेरी दी, क्यों बात को बढ़ा रही है? गुल की नाक के नीचे गुल तो खिला गए ना वो, अब क्या फायदा किसी चीज का? नॉनसेंस मेरी दी, मुझे तेरा ही तो आसरा है। आसरा सिर्फ ऊपर वाली जात का होना चाहिए अम्मा। अगर अल्लाह मियां ने माँ बाप ले ही लिए थे तो बहन भाई पालने के लिए कोई और जरिया बना देते। इन तीनों को छोड़, इन तीनों की तो अकल का डिपार्टमेंट खाली है। लेकिन मुझे तो अकल दिला गए ना अम्मा, क्या फायदा हुआ अपना घर बार छोड़ने का? फाजी फाजी, क्या है तू सुपर एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भागा जा रहा है? अम्मा बोले ना, क्या बात है? गुल को देख डैडी इमोशनल थी गई है, रो रही है। देखता हूँ अम्मा, पहले अपने मामला तो संभाल लूं। टेंशन है इसे। सरकार मैं आपकी फकी ले आया आपके मेदे के हाजमे के लिए और घर वालों के हाजमे के लिए ये टिकट, चार दिन बाद की ट्रेन से। मिस्किन तू वाकई सीरियस हद का बात जा रहा है? बुआ खुदा खुदा करके तो ये बेला आया है, अब खाम खा कोई नया फुआड़ा न डाल देना। सरकार मेरा दिल बहुत खराब हो रहा है अम्मा। ये मनोज डेटिंग के चक्कर में अपना बेड़ा घर कर लिया है तूने। मिस्किन जल्दी से जाके फ्रेश जूस बना के ला मेरी दीदी के लिए। ना मेरी दीदी। जी सरकार, अभी लेके आया, अगर इस भूखी कौम ने कुछ फ्रिज में छोड़ दिया हो तो। मिस्किन
नो अमेडिटी, रिलैक्स, तू हैप्पी अच्छी लगती है। भाभी पार्लर में बुकिंग करा दी है। चलो शुक्र है ये मसला तो हल हो गया। हाँ क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? मीनू की वजह से, इतनी जिद्दी तो वो कभी भी नहीं थी। सच कहूँ तो ज्यादती तो हुई है ना उसके साथ। अब किस्मत में ये लिखा था, हम क्या कर सकते। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ ना उससे। अब मीनू बात सुनो मेरी, कहाँ जा रही हो? तायमी आकर सुनती हूँ मैं आपकी बात। देख ले कैसे हवा के घोड़े पे सवार है। अच्छा तुम हौसला रखो ना, सब ठीक हो जाएगा, बैठ जाओ। बोले की बात तुम कोर्ट कचहरी तक क्यों लेकर जा रही हो? आपका ही फायदा है इसमें। मेरे फायदे के बारे में कब से सोचना शुरू कर दिया तुमने? अब इन गिले शिकवों का कोई फायदा नहीं है। गिले शिकवे वहीं होते हैं जहां मोहब्बत होती है। मोहब्बत को बीच में मत लाइए आप। मोहब्बत बीच में से निकली कब थी मनिया? दूर रहकर बात करें मुझसे प्लीज। नहीं रह सकता तुमसे दूर यार। अनिया मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? सजा तो मुझे मिली है फाजी, घर में होने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया है। मनहूस तक का लकब दे दिया गया मुझे, कोई मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैंने क्या बिगाड़ा किसी का बताए मुझे? तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये सब मसले हल हो जाए, बस तुम थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे। सारी जिंदगी भी कोशिश कर लेना तो ये मसला कभी हल नहीं होने वाला। बेबे और अम्मा की बेजा नफरत और आपकी बहनों की जिद हमारा घर कभी बसते नहीं देगी। तो क्या बस ऐसे ही हथियार डाल दें हम? हथियार उठाए कब थे मैंने, और अभी भी आप ही की मुश्किल आसान की है मैंने। क्या मुश्किल आसान की है? हक मेहर नहीं देना पड़ेगा आपको। क्या मतलब? खुला का नोटिस आपको मिल जाएगा, मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मैं आपके साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह से। अरे अपना ही घर बर्बाद करोगी? वो घर जो कभी मेरा था ही नहीं। निया, अब करो ऐसा। मैं फैसला कर चुकी हूँ। कोई पत्थर पर लकीर है तुम्हारा फैसला? तो कोई रेत पर लिखी तहरीर भी नहीं है मेरा फैसला। तो फिर मैं क्या समझूं? वो ही जो आप जानबूझकर समझना नहीं चाह रहे। अनिया